अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीवी दारेल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं दारेल तबोड़ व्यू पॉइंट पर। यहां से मेरा आखिर में आप देख सकते हो मर्टोन एरिया का नज़ारा, यहां से आप कर सकते हो। इस वक्त सबसे खूबसूरत नज़ारा हम यहां जब आए हैं इसलिए आए हैं कि बर्फ़ की नज़ारा भी हम आपको दिखाने के लिए इस वक्त दारेल व्यू पॉइंट पर आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे आखिर में इस वक्त जो गुमारटोन जो एरिया है जो बर्फ़ से ढपा हुआ है और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर दारेल गुमारी एरिया के हम यहाँ से कर सकते हैं। और साथ साथ बर्फ़ के साथ साथ अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो धूप भी इस वक्त निकला हुआ है और ऊपर से बर्फ़ की हल्की फुल्की बर्फबारी भी इस वक्त जारी है, साथ में धूप भी हो और हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो, ऐसे नज़ारे ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। और हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ भाई, हम इम्तियाज़ भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आए आज बर्फबारी के दिन इम्तियाज़ भाई क्या फील कर रहा है। इम्तियाज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त देकर हमारे लिए आप यहाँ पर आए और खूबसूरत नज़ारा इस वक्त दारेल की आप देख रहे हो और आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत शुक्रिया सलीम भाई, इंतहाई दिलफरेब मनाजिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और बर्फ़ से इस वक्त मौसम की साल की तरह बर्फ़बारी हो रही है और लोगों के हर जगह से दुआएं थी, आवाज़ें बुलंद थी कि अल्लाह रहमत का बारिश बरसा दे, तो लोगों की दुआएं कबूल हो गई। अब अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत मनाजिर आप गुमारी एरिया के नज़र आ रहे हैं और बर्फ़ से हर जगह ढका हुआ है, सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, हर शे सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा है, तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है और मौसम इंतहाई बहुत प्यारा हो गया है। इससे इंशाल्लाह वो जो वबाई अमराज थे इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, अब हम जाएंगे नाज़रीन मणिकाल एरिया की तरफ और वहाँ की जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी इम्तियाज़ भाई कुछ थोड़ा सा कुछ आपको तफसील बताएगा, जुड़े रहे हमारे साथ, चलते हैं मणिकाल एरिया की जानिब। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पर बर्फ़ारी से इंजॉय लेते हुए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बर्फ़ के कुछ बाल गोले बना रहे हैं, ये इस वक्त आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है, ये देखिए ये भी बर्फ़ से इंजॉय लेने के लिए घर से निकल कर यहाँ आई है। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त बर्फ़ से ढपा हुआ है इलाका, ये देखिए एक लड़का और एक ये भी है, करे इन वक्त खुश बात है इन वक्त। ये देखिए यहाँ पे बच्चे बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए हुए हैं, ये देखिए, और यहाँ पर एक बच्ची है इसने भी छोटा सा एक गोला बनाई है, इससे हम थोड़ा सा पूछते हैं। करे नदी गधे सना आ गधे सना शीतल ने भी नहीं हुआ जी गस चार के नहीं ना फुटता थोटा बाय बाय सेता बाय बाय सेता ठे थे न। ये देखिए नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी, दारेल समेगाल एरिया का कुछ नज़ारा हमने आपको दिखाया था, बर्फ़ का एक खूबसूरत नज़ारा है। और इस वक्त दारेल टोन एरिया जो घुमारी है वो धुंध से इस वक्त ढका हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर धुंध छाई हुई है और हो सके यहाँ पर बर्फबारी भी हो। आपसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी, दारेल की खूबसूरत नज़ारा हमने आपको दिखाया था और इस वक्त यहाँ पे धुंध आई हुई है और इंतहाई सर्दी है। यहाँ पे हमारी टीम आगे जा रही है, आप देख सकते हो धुंध में, ये देखिए इम्तियाज रमत सिंह रमानी और इरफान भाई आगे जा रहे हैं। तो चलो हम गुमारी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, अगर गुमारी बाज़ार में भी कुछ बर्फ़ पड़ा है तो हम वहाँ के लाइव मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे, लोग किस तरह इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ में वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ तो चलते हैं बाज़ार की जानिब।